चलिए देखिए, एवरेज के क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं ना। एवरेज का क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 7 है ना, आ जाइए। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 11 एवरेज का है ना। बस एक दो दिन में कंप्लीट करके ना स्पीड से मैं आपका परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों कंप्लीट करवा दूंगा, 4:20 तक। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज बहुत स्पीड से कंप्लीट करवा दूंगा मैं इसके बाद आपका, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 7 का है ना। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज 60 है। 10 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है? 60 है ना। ठीक है, अब इसमें बोला है टॉप 5 स्टूडेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड। टॉप 5, 10 में से टॉप 5 स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई। टॉप 5 स्कोर, टॉप 5 रैंकर लोग हैं ये 10 में से, है ना। इनको हटा दें तो बाकी 5 लोग बचे कि नहीं बचे? ए बी सी डी ई के बाद मान लेते हैं एफ जी एच आई जे, ये 5 लोग बचे। ठीक है, तो यदि इनको कंसिडर ना करें, इनको हटा दें, तो बाकी के 5 लोग जो बचेंगे उनका औसत 5 से गिर जाएगा, यानी कि इनका एवरेज 55 हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। यदि 55 एवरेज है तो 55 55 55 55, इनका समीशन 275 हो जाएगा क्या? क्लियर है ना? क्या बोला है सवाल में? एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है, यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों के अंक पर विचार नहीं किया जाता है तो शेष विद्यार्थियों के औसत में 5 की कमी आ जाती है, औसत 60 से 55 हो जाएगा, यानी कि टोटल योग 275। अब आप देख रहे हैं टोटल समेशन 600 है कि नहीं है। 10 लोगों का टोटल समेशन 600 में से 275 गया तो 325 बचा क्या? मतलब इन 5 लोगों का टोटल बताइए आप 325 है कि नहीं है? क्लियर? ये ध्यान रखिए, ये 5 टॉप स्कोर है, यानी कि इन 10 लोगों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टॉप की 5 रैंक है ये, बाकी 6 7 8 9 10 रैंक ये है। क्लियर? ये टॉप 5 है। अब आगे क्या बोलता सवाल वाला देख लेते हैं। उत्तीर्ण अंक 40 तथा अधिकतम अंक 100 है। जो इन्होंने पेपर दिए हैं उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100। क्लियर? और पासिंग मार्क्स कितना है? 40। क्लियर? पासिंग मार्क्स कितना है? 40, और मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100। ठीक है, और यहां भी पता है कि कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। ठीक है, कोई विद्यार्थी असफल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? 10 में से कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ, इसका मतलब सीधी सी बात है 10 में से हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ऊपर, तभी फेल नहीं हुए। तो ये बोलना चाह रहा है कि 10 में से किसी मार्क्स 40 या फिर उससे ज्यादा ही है, कोई भी फेल नहीं हुआ, मतलब 40 से नीचे किसी का भी स्कोर नहीं 10 में से। क्लियर? आगे है ना। ठीक है, आगे देखें तो ये जो 5 टॉप स्कोरर है इनके जो मार्क्स है ये कंप्लीट मार्क्स है। मतलब क्या हिंट देना चाह रहा है? दशमलव में नहीं है। मतलब ये जो 5 टॉप स्कोरर लोग हैं ना, इनमें से किसी के भी मार्क्स दशमलव में नहीं है, है ना। ये जो 5 टॉप स्कोरर है इनमें से किसी के भी मार्क्स डेसिमल में नहीं है। आती बात समझ में? ये वो कहना चाह रहा है इनके बारे में, नहीं इनके बारे में। ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ। यदि प्रत्येक 5 सर्वोच्च अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अंक पूर्ण सांख्यिक है, मतलब इंटीजर फॉर्म में है ना, ठीक है, और पूर्ण सांख्यिक यानी कि डेसिमल में नहीं है, है ना। इंग्लिश में क्या बोला है? इट इज ऑल्सो नोन दैट नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोरर, इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोर्स हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल यानी कि इंटीजर, पूर्णांक, नॉट इन डेसिमल, दशमलव में नहीं। क्लियर? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इंग्लिश में क्या बोला है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सभी के मार्क्स अलग अलग है, किसी के भी मार्क्स एक जैसे नहीं है। हिंदी में मिसिंग है, हिंदी में आप लिख लीजिए कि पूर्ण सांख्यिक के साथ ही साथ सभी के मार्क्स अलग अलग है, किसी के मार्क्स एक जैसे नहीं है, इसी लाइन आप लिख सकते हैं। हिंदी में मिसिंग है ना, इंग्लिश में लिखा है अलग अलग है। तो 5 लोगों के बारे में क्या हिंट दी गई? डेसिमल में नहीं है, साथ ही साथ सबके मार्क्स अलग अलग, किसी के भी सेम नहीं है। ये सारी हिंट इनके लिए, इनके लिए नहीं है, है ना। इनके एक जैसे हैं, डेसिमल में है, कोई पता नहीं। ठीक है, अब आगे द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर। चलो भैया, पॉसिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है उसने? उसने ये बोला है हमसे, ठीक है, कि भैया ये जो 5 टॉपर है इनमें से किसी एक टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ये टॉपर है और ये बाकी के 4 लोग, किसी भी एक टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स हम बनाएंगे कितने संभावित हो सकते हैं? अच्छा, 100 का तो पेपर है तो 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। क्लियर है ना? तो किसी भी एक टॉपर के अधिकतम संभव मार्क्स कितने होंगे, वो संभावना हम बनाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, अब इन 5 में हमें इसको ज्यादा से ज्यादा देना है। यदि इसको ज्यादा से ज्यादा देना है तो हम कोशिश करेंगे इसको मिनिमम दें,
क्योंकि टोटल पांचों का मिला के 325 है, 325 में से इसको कम से कम देंगे ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा दे सके। हमें क्या कोशिश करनी है, सवाल का इंटेंशन क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो। 325 में से इन चारों को हम कम से कम देंगे ताकि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बचा सके, तो हम कोशिश करेंगे इन चारों को मिनिमम जाए, हम कोशिश करेंगे कि इन चारों को मिनिमम दूं ताकि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। क्लियर? तो अब इन चारों को यदि मैं मिनिमम दूं तो मेरा बस चले तो चारों को 0-0 दे दो। अरे मिनिमम देना ना, 0-0 पूरा 325 इसको दे दो, लेकिन 325 हो ही नहीं सकता, 100 का तो पेपर है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज ये भी है, बोला गया था कोई भी फेल नहीं हुआ, आई बात समझ में ना, कोई भी फेल नहीं हुआ इसका मतलब सीधी सी बात है कि इन चारों को कम से कम देने की कोशिश भी करोगे तो 40-40 तो देना पड़ेगा ना। कोई भी फेल नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि इन चारों को कम से कम 40 से नीचे तो नहीं दे सकते आप, क्योंकि कोई भी फेल नहीं हुआ है 10ों में, तो कम से कम जो दे सकते हो इन चारों को आप क्या दे सकते हो, 40। तो चारों का कम से कम जो बना सकते हैं हम वो 40 है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। क्या ये 40 जो कम से कम लिया है सही है, एक बार चेक करते हैं। एक और पहलू आपको ध्यान रखना है, 40-40-40 जो हमने लिया है गलत है, इतना कम नहीं ले सकते, इनको और ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों नहीं दे सकते इतना कम, मैं आपको बताता हूँ। ये स्टार्टिंग के 5 रैंक वाले लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं रैंक के लोग हैं। आपको चाहिए कि इन पांचों की तुलना में इनमें से हर एक के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। अरे ये 1 से 5 नंबर पे 6 से 10 नंबर के मार्क्स जो होंगे, इन लोगों के जो मार्क्स होंगे उनकी तुलना में इनके ज्यादा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, पांचों के बताइए, क्योंकि इनसे ज्यादा रैंक है इनकी, आई बात समझ में। अब तो हमें इसका भी ख्याल करना पड़ेगा कि मिनिमम तो दे रहे हो उनको, लेकिन मिनिमम देने में इतना भी मत डूब जाओ कि इनसे भी कम कर दो, क्योंकि इनसे रैंक इनकी ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? तो अब इनका मिनिमम क्या हो सकता है ना, इनको हम क्या दे सकते हैं मिनिमम। यदि 55 का एवरेज है तो हर एक को 55-55 मिनिमम दे सकते हैं, इससे कम तो मैं कर नहीं सकता यार। 55 का यदि एवरेज है तो हर एक को 55-55 तो देना ही पड़ेगा, और यदि इधर 55 दे दिया तो इधर हर एक का 55 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो यदि इधर मिनिमम करने की कोशिश करेंगे तो 56 से स्टार्ट कर सकते हैं, 56 से, 56 से छोटा नहीं दे सकते हम यहाँ पर, क्योंकि इनकी तुलना में इनकी रैंक ज्यादा होनी चाहिए, आई बात समझ में। क्लियर? तो जितना मार्क्स यहां पर है उसकी तुलना में यहाँ पे ज्यादा ही होना चाहिए, तो यहाँ का मिनिमम आप 55 से ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, तभी इनसे रैंक इनकी ज्यादा सेटिस्फाई रहेगी, आई बात समझ में। अब सवाल उठता है, सर 55 से भी तो कम कर सकते हैं, मिनिमम मिनिमम मार्क्स इन पांचों का क्या रख सकता हूं मैं, 55-55-55। अब आप बोलोगे सर एक जैसा नहीं हो सकता, तो एक जैसा हो, कैसे भी मार्क्स हो सकते हैं, तो इनके लिए कंडीशन अलग अलग होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं। 55 का एवरेज है एक 275, सभी को बराबर से 55-55-55-55 दे दो। इनको मिनिमम देने की कोशिश करोगे और इसके इससे थोड़ा सा ज्यादा यहां देना है, इसको मिनिमम देने के लिए पहले आपको इसको मिनिमम से मिनिमम साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक कदम आगे का वैल्यू इसका है, आई बात समझ में। तो इसको नीचे से नीचे करने के लिए इससे नीचे पहले इसको करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो इसको कितना नीचे से नीचे कर सकते हो, 55-55-55 इससे नीचे नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे नहीं सर इसको 50 दे दो, यदि इसको 50 दोगे 5 रुपये कम करोगे तो 5 रुपया खुद के इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 275 तो बैलेंस करना है ना, तो इधर 60 हो गया ना, अब कितना हो गया 60, ये 50 हो गया, बाकी 55-55-55, ये 60 और 55। अब देखो अब इन सबके मार्क्स 60 से ज्यादा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बताइए। यदि आप ऐसा मार्क्स देते हो इनको 55-55-55, 60 और 50, इसका मतलब ये है कि यहाँ का मैक्सिमम 60 है, तो 60 से ज्यादा आना चाहिए इन सबको, आई बात समझ में। क्लियर? 60 से ज्यादा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये 60 तो मान लो जो भी रैंक है इसकी तुलना में पांचवी छोटी तीसरी दूसरी तो आगे रैंक आएगी ना, 60 से ज्यादा आना चाहिए। क्लियर? तो यदि आप किसी को 50 करने की कोशिश करोगे तो कूद के दूसरा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अब हमारा आधार 60 बन गया, लेकिन मिनिमम आधार हम 55 बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाए। तो मिनिमम जो वैल्यू बनेगा आधार, मिनिमम से मिनिमम इस डेटा बनेगा वो 55, हर एक के मार्क्स 55 कर दो, ये मिनिमम है। तो 55 के जस्ट बाद ये मिनिमम क्या ले सकते हो आप, 56, क्योंकि इससे ज्यादा रैंक है ना, तो 55 से ज्यादा 56, 56 के बाद 57-58-59, ये मिनिमम ले सकते हो, क्योंकि एक जैसा भी नहीं ले सकते, नहीं तो मिनिमम में मैं चारों को 56 कर देता, लेकिन एक अलग अलग होना चाहिए। तो 56 के बाद दूसरा 57-58-59, ये चार मिनिमम वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया इनकी तुलना में इनके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, साथ ही में कोई फेल भी नहीं है, तो किसी का मार्क्स आप 40 से कम कर दे 40 से पार होने चाहिए। तो आधार सिर्फ ये बनेगा कि इनका मिनिमम 55 है, 55 के बाद का नंबर आएगा यहाँ पे, आप मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन 55 के बाद वाला मिनिमम, तो 55 के बाद वाला मिनिमम 56 से स्टार्ट होगा, 56-57-58-59, 325 में चारों को जोड़ के माइनस कर दो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमारा उद्देश्य था कि 325 में से इन चारों को मिनिमम से मिनिमम दे ताकि इसको मैक्सिमम दे सके, तो 325 में से इन चारों को मिनिमम से मिनिमम कम से कम जो दिया जाने वाला डेटा है वो ये है, इससे कम नहीं दे सकते आप इनको। ठीक है, तो ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है, इसको जोड़ेंगे
इसको यदि आप जोड़ेंगे, ठीक है, 240, 230 आएगा शायद, ये चारों ऐड अप होके 230, तो 230 इसमें से माइनस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 95 आ जाएगा इसका, है ना? क्लियर? ये आपका आंसर है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, सो आंसर विल बी 95, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, सवाल नंबर पर। अच्छा क्वेश्चन था, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं ना। ठीक है, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 है, ठीक है भैया, है ना? यदि तीन लोग अब्सेंट हो जाएं एबीसी, तो रिमेनिंग का एवरेज 37 है। 1, 2, 3, 4 अप टू 37, 37 लोग तो ये हो गए, है ना? ठीक है, 37 लोग ये, और फिर 38, 39 और 40, ये 40 लोग हो गए। इन 40 लोगों का एवरेज है 163, है ना? ठीक है, यदि ए बी सी अब्सेंट हो जाए तो इन 37 लोगों का एवरेज क्या हो जाता है? 162 हो जाता है ना? ठीक है, 162 हो जाता है। ठीक है, अब ए की ऊंचाई निकालनी है। अब देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है ना, ए और बी, ए तथा बी की ऊंचाई बराबर है, ये दोनों बराबर है, और सी जो है, सी ए से 2 सेंटीमीटर कम है। ए बराबर बी है तो ए से 2 सेंटीमीटर कम है सी, ए से 2 कम तो बी से भी 2 कम, क्योंकि ए और बी तो समान है, तो ए से सी 2 सेंटीमीटर कम है ना? है, 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब ए की ऊंचाई क्या होगी? स्मार्टनेस लगाएंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एसएससी प्री में भयंकर आए ऐसे क्वेश्चन, और मेंस में भी, है ना? 163 से 162, एक कम है 37 बार, यानी कि -37 है इधर पे, तो इधर +37 करके बैलेंस होगा कि नहीं होगा? भूल जाती है क्या बात समझ में? क्लियर, +37 करके बैलेंस होगा। अब यहाँ आप देखिए, है ना, थोड़े से स्मार्टनेस लगाऊं, ठीक है, तो 163 तो है, ये सब, ये भी 163, 163, 163 तो है ही, ये जो मैं बोलता हूँ 163 तो बाई डिफॉल्ट है। अब इन तीनों के 163 में 37 जाके 37 डाल दो, इन तीनों को 3 बार 163 पे क्या प्लस कर दो? 37, है ना? अब 37 को कुछ यूं डालो कि कंडीशन सेट, ये दोनों बराबर हों, यदि ए से 2 कम है तो बी से भी 2 कम हो गए, आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो अब यदि 2 कम है तो एक काम करें, अच्छा इसका आंसर कैसा है, डेसिमल में आ रहा है ऑप्शन में या एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट आंसर है ना? 37 को तीनों में यदि बराबर बराबर बांटे, ठीक है, 37 में से काम करें, पहले 10 10 10 फैला दे तीनों में, 10 10 और 10 फैला दे, 37 में से 30 गया, 37 में से 30 गया तो कितना बचा? 7। अब 7 में कुछ यू स्मार्टनेस लगाओ कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो, इन दोनों को बराबर रखना और इनकी तुलना में ये 2 कम होना चाहिए, ठीक है, तो एक काम करें, 7 को कैसे बांटे? एक काम करते हैं, ठीक है, ये 2 रुपये कम है ना दोनों से, यानी कि 2 कम 2 कम, टोटल 4 कम, ठीक है ना? तो 7 को कुछ यूं बांटते हैं, अच्छा एक एक रुपया और बांट दे तीनों में, तीनों में एक एक रुपया और बांट देते हैं ना? ठीक है, तो 3 रुपया और गया, कितना बचा? 4 रुपया बचा। अभी देखो तीनों बराबर है, लेकिन 4 रुपये को ऐसे बांटना है कि इसकी तुलना में ये दोनों दो दो ज़्यादा हो, ठीक है, तो 4 को एक काम करें, 2 2 रुपया दोनों और बांट दे, 2 रुपया यहाँ भी, यहाँ हो गया क्या सेटिस्फाई? देखिए, ये ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है ना? ठीक है, ए और बी आपका क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है, ए और बी बराबर हो गया, और सी ए और बी दोनों से दो दो कम हो गया कि नहीं हो गया? तो फाइनल, तो ए का वैल्यू कितना आया? 173, 176 आएगा, ए भी 176, बी भी 176, और ये 174 आ जाएगा, ये 176, 176 से 174, तो ए भी 176, बी भी 176 है ना? क्लियर? और शॉर्ट में यदि इसको फैलाऊं, तो देखिए और शॉर्ट में करके दिखाता हूँ इस सवाल को मैं, है ना?
बाकी बेसिक तरीके से हम कर ही सकते हैं, बेसिक तरीका मैं आपको बता दूंगा, है ना। हमें 37 को डालना है इसमें, ठीक है। तो तीनों को बराबरी से बांटे, है ना। तो 37 में से एक काम करें, 33 बांट दे 11, 11, 11, 11, 11 तीनों को बांट दे, कितना बचा? चार। अभी बराबर है तीनों। अब चार को कुछ यूं बांटना है कि इस अकेले की तुलना में ये दोनों दो दो सेंटीमीटर ज़्यादा होने चाहिए। तो अब आप देखो, 4 सेंटीमीटर में से यदि दो दो सेंटीमीटर दोनों को दे दें, हो गया सेट, बढ़ गया पूरा 37। 33 और 4 37 बांट दिया। अब देखो किस प्रकार बांटा कि बताइए, इसकी तुलना में ये दोनों दो दो ज़्यादा है कि नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्लियर? क्योंकि 163 बेस तो है पूरे का, है ना। तो 163 में 11 11 11 और ये दो दो, बताइए इसकी तुलना में भी दो ज़्यादा, इसकी तुलना में दो ज़्यादा, और ये दोनों बराबर हैं, या फिर इसकी तुलना में दो कम है ए से सी, और बी से भी दो कम है। क्लियर? तो ए का वैल्यू 176, बी का वैल्यू 176, और ये 174। आई बात समझ में? तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 176। ये समझ में आ रहा है कि ये गेम क्या कर रहा हूँ मैं? औसत में ये गेम आपको खेलने आने चाहिए, ठीक है। अब यदि आप चाहते हो, नहीं हम तो सर हम तो बेसिक तरीके से करेंगे, हमको तो नहीं मतलब ऐसा वैसा ये वो, ऐसे नाटक यदि आप करना चाहते हो तो सुनिए मेरी बात फिर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 163 तो था ही तीन बार इनके पास, तीन बार 163, और 37 और डाला आपने प्लस 37, ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट, तीन बार 163 तो था ही और 37 और डालना है उसमें, तो तीनों का योग तीन बार 163 प्लस 37 होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे आप माइनस 37 से प्लस 37 करके बैलेंस करोगे तो तीन बार 163 प्लस 37 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? अब ए और बी बराबर है तो इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, और सी को एक्स माइनस टू मान लो आप, एक्स एक्स और एक्स माइनस टू, क्योंकि इन दोनों से दो दो कम है। क्लियर? बस रख दो, सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इजी। लेकिन कैलकुलेशन होगा, ये इजी वे में हो जाएगा। क्लियर है क्या? आती बात समझ? या फिर दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो, इनटू वगैरह करके, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है, इजी वे में कैलकुलेशन कट हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, सवाल नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सवाल नंबर 13, ठीक है। एक आदमी किसी वर्ष अगस्त में 222 बार टेलीफोन का प्रयोग करता है, अगस्त में। तो इस वर्ष में अगस्त का पहला दिन शुक्रवार था, पहला दिन शुक्रवार था, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, अगस्त का महीना है ना, अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं, पहला दिन शुक्रवार है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदह, पूरा कैलेंडर बना रहा हूँ अगस्त का, 17, 18, 21, 22, 23, 24 अप टू 28, 29, 30 और 31। अब उसने क्या बोला है देखिए, है ना। एक आदमी किसी वर्ष अगस्त में 222 बार टेलीफोन का यूज़ करता है, पूरे 31 दिन में कितनी बार टेलीफोन यूज़ किया उसने? 222 बार। अब आगे, इस वर्ष में अगस्त का पहला दिन शुक्रवार था, अगस्त में शनिवार और रविवार की औसत, अगस्त में शनिवार और रविवार की औसत 7.5 बार टेलीफोन का प्रयोग होता है, शनिवार रविवार, ये शनिवार रविवार यानी कि शनिवार रविवार यानी कि 10 डेज। तो दो टुकड़ों में बांटा है पिक्चर को, एक तो 10 दिन और एक 21 दिन, दो टुकड़ों में बांटा है। शनिवार रविवार का एवरेज 7.5 है, यानी कि इन 10 दिन का एवरेज कितना है? 7.5। आती है बात समझ में? ठीक है, शनिवार रविवार का एवरेज यानी कि 10 दिनों का एवरेज 7.5 है, यानी कि 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 10 बार, यानी कि 75 बार यूज हो गया। तो 222 में से 75 बार यूज हो गया इन 10 दिनों में, टोटल 10 प्लस 21 दिन का 222 बार है, 222 बार में से 75 बार बताइए 10 दिनों में यूज हो गया। तो बाकी 21 दिनों में कितनी बार यूज होगा? 75 को माइनस करें इसमें से, 122 प्लस 25 147 बचा, है ना। 21 दिन में 147 बार टोटल यूज हुआ, तो 21 दिन का एवरेज निकालना है क्या? तो 147 में 21 से भाग देते, आ जाएगा एवरेज 7 बार, तो 7 एवरेज आएगा इधर का, है ना। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना आप लोगों को? क्लियर होगी यार, आ गया होगा समझ में ना, ठीक है।
ये 10 दिन अलग कर दिए, बाकी के 21 दिन अलग कर दिए उसने। इस 10 दिन का एवरेज प्रतिदिन 7.5 7.5 है शनिवार रविवार का, तो उनका एवरेज क्या है? आई बात समझ में क्लियर? तो 7.5 यानी कि 75 बार यूज हुआ, तो 222 में से 75 का 147 बार 21 दिन में यूज हुआ, 147 बाई 21 प्रतिदिन 7 एवरेज आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14 उसी के जैसा है जो 11वां सवाल था ना पहला हमारा आज का, उसी के जैसा है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 14 है ना। ठीक है, एक परीक्षा में 55 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 88 है। 55 छात्र है, 55 स्टूडेंट से इनका एवरेज क्या है? 88 है ना, इनका एवरेज है 88। क्लियर? ठीक है, अब आगे, यदि टॉपर चार विद्यार्थियों को नहीं गिना है, इसमें से चार टॉपर को निकाल दो, मान लिया चार टॉपर ए बी सी डी इनको निकाल दो, तो बाकी कितने लोग बचे? 51 लोग बचे है ना। ठीक है, 51 लोग बचे, इनका एवरेज चार से घट जाएगा, यानी कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 84। एवरेज चार से घट जाएगी, 55 में से चार टॉपर को नहीं गिनो तो बाकी 51 लोगों का एवरेज चार घट जाएगा, यानी कि 84 हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा एवरेज? 84। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करें, आगे क्या बोला इसने, यदि दूसरा उच्चतम स्कोर 133 से कम है, दूसरा उच्चतम स्कोर, इसको मान लेते हैं पहला उच्चतम स्कोर ये, दूसरा उच्चतम स्कोर, फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर ये है, दूसरा हाईएस्ट स्कोर ये है। ठीक है, दूसरा उच्चतम स्कोर 133 से कम है, लेस देन 133 है, ये 133 से कम है। ठीक है, तथा सभी छात्रों ने पूर्णांक में अंक प्राप्त किए, सभी छात्रों ने, इधर 51 लोग हैं, कितने लोग हैं इधर? 51, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट 51 लोग हैं, है ना, 51 लोग हैं, और इधर चार लोग, 51 चार हो गए 55। ठीक है, यानी 51 लोगों का एवरेज क्या है? 84 84 84 51 बार, और ये चार लोग। ठीक है ना, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, दूसरा उच्चतम स्कोर 133 से कम है, लेस देन एक्स, इस साइन का मतलब 133 से कम है ये। क्लियर, प्रथम उच्चतम स्कोर इसको मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम एक काम करें, इनका टोटल निकाल लें। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रीवियस एवरेज इनटू एन प्लस चेंज इन एवरेज है ना। अच्छा, 55 में से चार को निकाला, 55 में से चार गए तो ये बचे, टाइप थ्री में पढ़ाया था मैंने आपको एवरेज में, एक वो फॉर्मूला था हमारा, प्रीवियस एवरेज इनटू एन प्लस चेंज इन एवरेज इनटू फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर आने वालों का टोटल, और माइनस लगा दो तो जाने वालों का टोटल। तो जाने वाले का केस है, 55 में से चार लोग गए तो 51 बचे, तो प्रीवियस एवरेज क्या है? 55 लोगों का 88। जाने वालों की संख्या कितने गए? 55 में से चार लोग गए, चार गए, माइनस इनकी वजह से चेंज इन एवरेज क्या है? एवरेज चार घट गया, यानी कि एवरेज में चेंज आया -4। फाइनल लोग कितने बचे? 51 है ना, इससे क्या आएगा? जाने वालों का टोटल आएगा, यानी कि इन चारों का टोटल योग आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, याद होगा आपको शायद, इसी उम्मीद है ना। 88 इंटू 4 कितना आएगा? ये 320, 352, 352 और 204, 352 और प्लस हो जाएगा ना 204, 452, 552, 556 आएगा शायद ये टोटल। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 556। एक बार और कैलकुलेट कर ले, ये आता है ना आपको, है ना, जाने वालों की संख्या, तो प्रीवियस एवरेज इंटू जाने वालों की संख्या माइनस चेंज इन एवरेज इंटू फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर जाने वालों का टोटल। तो प्रीवियस एवरेज कितना है? ओरिजिनल एवरेज स्टार्टिंग का 88। कितने लोग गए? चार लोग गए, चार लोग जाने से एवरेज में क्या चेंज आया? -4, चार घटा और फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स 51 बचे। क्लियर, इसका टोटल सही किया ना मैंने, 176, 352, 352 प्लस 204, 552 प्लस 4, 556, सही है ना, चारों का टोटल 556 है। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, तब टॉपर छात्र द्वारा प्राप्त संभव न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें। टॉपर का मिनिमम क्या हो सकता है? ये टॉपर है, इसका मिनिमम, यदि इसका मिनिमम है तो इसका मैक्सिमम करना पड़ेगा,
यदि 556 में से इसको मैक्सिमम देंगे तो अपने आप इसका मिनिमम बचेगा कि नहीं बचेगा। अब कोशिश करनी हमें कि इसको कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। तो मेरा बस चले तो पूरा 556 इनमें बांट दूँ, इसका मिनिमम जीरो कर दूँ मैं, लेकिन लिमिटेशन है कि दूसरा बंदा जो है, दूसरा बंदा 133 से कम है, यदि सेकंड टॉपर है तो थर्ड मान ले, ये फोर्थ मान ले, आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, एक बार और सवाल को पढ़ लेता हूँ मैं, कुछ बारीकियाँ ऐसी जो हम छोड़ तो नहीं रहे, फिर हम करते हैं सॉल्व, है ना। इफ सेकंड टॉपर मार्क्स इज लेस देन एंड ऑल स्टूडेंट्स गेट कंप्लीट नंबर इज मार्क्स, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग इज लेस बाई फोर इफ सेकंड टॉपर इज लेस देन 133, दूसरा उच्चतम स्कोर तथा सभी छात्रों ने पूर्णांक में अंत प्राप्त किए हों, तब टॉपर छात्र द्वारा प्राप्त संभव न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें। टॉपर छात्र द्वारा प्राप्त संभव न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें, ठीक है। अब यदि 133 है तो एक मिनट, 133 से कम है तो सेकंड टॉपर को मैक्सिमम आप 132 दे सकते हो, पूर्णांक प्राप्त किया सभी ने, पूर्णांक है ना, कंप्लीट नंबर, आई बात समझ में? तो सेकंड टॉपर को मैक्सिमम देना है तो सेकंड टॉपर को मैक्सिमम 132 दे सकते हो, क्योंकि 133 से कम है, तो 133 से कम वाली दुनिया में मैक्सिमम 132 बचा, तो मैक्सिमम 132 दे सकते हो आप, ठीक है। अब इन दोनों को मैक्सिमम, तो इन दोनों के लिए हम देते हैं एक मिनट रुकिए, 132 396 है ना, 396 इसमें जाएगा 156, एक मिनट रुकना है, 160, 156, तब टॉपर छात्र द्वारा प्राप्त संभव न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, ये 132 है, इसको भी 132 दे देते हैं और इसको भी क्या देते हैं, 132, आई बात। अब इसमें बोला नहीं है ना कि सबके अलग अलग होने चाहिए, पिछले सवाल में बोला था सबसे अलग अलग होने चाहिए, इसमें अलग अलग नहीं बोला है, इट मीन्स फर्स्ट रैंक के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों को बराबर दे दो, तीनों रैंकों को क्या दे दो आप, बराबर दे दो, क्योंकि मैक्सिमम देना है ना, मैक्सिमम, तो 132 इसको दे सकते, तो इसको भी 132, इसको भी 132, सेकंड टॉपर थर्ड टॉपर फोर्थ टॉपर तीनों को 132 दे दो, है ना। ये फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, स्टार्टिंग के चार टॉपर हैं, आई बात समझ में? क्लियर? तो बाकी के तीन टॉपरों को 132 132 132 दे दो, तो 556 में से 132 132 यानी कि 396 गया, 396 गया तो 160 बचेगा इसके लिए, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, ए का 160, अलग अलग नहीं बोला ना, इसलिए हम बराबर दे सकते हैं, क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये फिर चौथी रैंक का कैसे हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल हुआ, ये फर्स्ट रैंक है, ये फिर बाकी के तीन रैंक है, चार टॉपर लोग हुए कि नहीं हुए बताइए, टॉपर का मतलब क्या है, चार टॉपर का मतलब चार रैंक नहीं, चार उच्च इंसान, तो बताइए इन तीनों का बराबर हो, इसका 160 हो और इसका 132 हो, फिर भी क्लास के चार हाईएस्ट स्कोर तो यही कहलाएंगे ना, आई बात समझ में? तो जो सवाल ने बोला है कि चार टॉपर है, चार टॉपर इस क्लास में से चार टॉपर निकालोगे, निकलेंगे कि निकलेंगे, ये तीनों अपनी जगह एक ही स्तर पर है, ये फर्स्ट रैंक है, ये तीनों अपनी जगह एक ही लेवल है, लेकिन चार इंसान चार टॉपर इंसान कहलाए कि नहीं कहलाए क्लास के, बताइए? तो 132 दे सकते हैं, बराबर बराबर दे सकते हैं, ऐसा नहीं 132 131 130 132 तीनों को बराबर बराबर दे सकते हैं, 160 आएगा, क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7 8 7 8 2 0, बस ये एवरेज में थोड़ी सी स्पीड धीमी रहेगी हमारी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं, क्लियर। बाकी एस आई और परसेंटेज तो बहुत स्पीड से कर दूंगा मैं खत्म, है ना, फिर हम सीधे एडवांस मैथ्स पर आ जाएंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए, और यूट्यूब पर बने रहें, ठीक है, अगला वीडियो में लाऊंगा वैल्यूज पुट कैसे करें उसकी डिटेल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौदह के बाद सवाल नंबर 15 है ना, ठीक है ना, दिख रहा है सभी को क्लियरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, एक मिनट, हाँ अब हम आएंगे सवाल नंबर 15 पर, है ना। इस सवाल का उत्तर कैसे आएगा मैं बताऊं आपको, आपको कुछ नहीं करना है, 15,000 प्लस प्लस 15,350 प्लस 15,200 है, वो जो 1500 लिखा है, हिंदी में सही है इंग्लिश में रहोगे, है ना,
15,200, इसमें से आपको बी एंड सी है ना, ए का निकालना है। दो बार 15,350 माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका ए का वैल्यू सीधे इससे, है ना। एक बार 15,350 माइनस दो बार 15,350, तो प्लस वन में से माइनस टू होगा तो माइनस वन आ जाएगा, है ना। तब इसको बताता हूँ पूरी डिटेल में। ऊपर 15,050 में 15,200 ऐड करोगे तो 30,250 आएगा ये दोनों मिलकर, और एक बार 15,350 प्लस का माइनस दो बार, तो माइनस का एक बार 15,350 आ जाएगा, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15,000 बचा, लेकिन 100 रुपया और जाएगा तो 14,900 आएगा आंसर इसका शायद, है ना, 14,900। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। इसमें बोला है ए और बी का एवरेज 15,050 है, ठीक है। बी और सी का एवरेज 15,350 है, और ए एंड सी का एवरेज 15,200 है, ठीक है। हमें यहां ए की वैल्यू निकालनी है ना, ये कहानी गिवन है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहां से कहानी क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, इस टू को इधर ले लें क्या, ले लें इधर टू को, है ना, इस टू को भी इधर ले लें इन टू में, है ना, ठीक है, इस टू को भी इधर ले लें इन टू में, है ना, इज इक्वल। अब इन सबको ऐड करेंगे तो बताइए इधर टू टाइम्स ए बी सी आ जाएगा क्या, है ना, और इधर टू कॉमन निकल जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, टू कॉमन निकाल के तीनों को ऐड कर दो, तो 15,050 प्लस 15,350 प्लस 15,200 आ जाएगा क्या, ऐसा आती बात समझ में। टू टू कैंसल, मतलब इन तीनों को जोड़ने से, तो बताइए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इतना, ये ए प्लस बी प्लस सी हुआ कि नहीं हुआ बताइए ज़रा, हुआ क्या ए प्लस बी प्लस सी। यदि ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी प्लस सी माइनस कर दें, यदि ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर दे तो बताइए ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक्चुअली ये था आपका ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर, और ये बी प्लस सी, बी प्लस सी का वैल्यू बताइए दो बार 15,350 है कि नहीं है, क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी मैंने माइनस कर दिया तो सीधे ए का रिजल्ट आ गया, समझ गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा सवाल था ये 15 था, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, सवाल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ चलिए, शनिवार को छोड़कर, शनिवार को छोड़ दें तो संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, छोड़ दिया शनिवार को, छोड़ दे शनिवार को अलग कर दें तो बाकी 6 दिन बचते हैं ना। यदि शनिवार को छोड़ दें तो बाकी के 6 दिन का जो औसत वर्षा हुई है वो 0.5 सेंटीमीटर है, शनिवार को छोड़ दें तो बाकी के 6 दिनों में औसत वर्षा कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब यदि शनिवार को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना, ठीक है, अधिक वर्षा हुई, सप्ताह में वर्षा का औसत 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया, औसत 1.5 सेंटीमीटर बढ़ा, तो आधा प्लस 1.5 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया नया एवरेज, अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में सवाल पढ़ते हो तो उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, दोनों से करके दिखा देता हूँ, है ना, फ्राइडे और ये सैटरडे है ना। अब देखिए ये 0.5 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है उसने, इसमें उसने ये बोला है कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया, 1.5 बड़ा नहीं, उसने ये बोला इसमें कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया है ना,
तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ बोला हिंदी में बोला उसने 1.5 सेंटीमीटर बड़ा, तो 0.5 + 1.5 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम उसने बोला है कि रेज्ड टू 1.5, यानी कि 1.5 हो गया एवरेज, इट मीन्स इधर इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, दोनों सवाल को अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वही सवाल है टाइप टू वाला, कि जब एक ग्रुप में कोई एक नया बंदा जुड़ता है ना, वही प्रीवियस एवरेज इंटू एन प्लस चेंज इन एवरेज, ये बेस्ट अप्रोच आपको दिया है मैंने, है ना। आने फाइनल टोटल आने वालों का टोटल आएगा, इससे आने वाला यानी कि शनिवार नया आया, क्लियर। तो पुराना एवरेज कितना है 0.5 इंटू कितने लोग नए आए, एक ही शनिवार नया आया, प्लस इसकी वजह से एवरेज में क्या चेंज आया, डेढ़ बड़ा प्लस 1.5, और टोटल फाइनल लोग कितने हो गए, 7 हो गए, क्लियर है ना, ठीक है। तो 10.5 और आधा यानी कि 11, तो शनिवार को जो वर्षा हुई यहाँ पे 11 सेंटीमीटर आंसर आएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो शनिवार आने वाले का शनिवार का टोटल, यानी कि यहाँ शनि अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम जो वर्षा हुई वो 11 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम देख लेते हैं प्रीवियस एवरेज वही 0.5, कितने लोग नए आए, एक शनिवार नया आया, प्लस चेंज इन एवरेज कितना है 1 सेंटीमीटर, और आने वालों कितने लोग हो गए टोटल 7 लोग। चलिए तो यहाँ 7.5 सेंटीमीटर आएगा शनिवार को जो वर्षा हुई, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम जो शनिवार को वर्षा हुई वो 7.5 सेंटीमीटर है, अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम 11 सेंटीमीटर, क्लियर। दो सवाल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 17 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आ जाते हैं 17 पर, देखिए सेवनटीन, ठीक है। 15 मूवी थिएटर एवरेज 600 कस्टमर पर डे, 15 चित्र थिएटरों में औसत प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं, 15 थिएटर है इसमें प्रतिदिन कितने दर्शक आते हैं, 600 दर्शक आते हैं प्रतिदिन, है ना, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें, ठीक है, 15 थिएटर में 600 दर्शक आते हैं औसत, औसत ये 600 है तो टोटल 9000 दर्शक हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी है, 6 थिएटर बंद हो गए भैया बंद हो गए 6 थिएटर, तब कितने थिएटर बचे, 9 थिएटर बचे। अब सवाल कहता है थिएटर चाहे बंद हो जाए लेकिन देखने वाले तो 9000 ही रहेंगे। अब ये 9000, 6 थिएटर बंद हो गए, ये 9000 9 थिएटर पर, हाँ बोलो बोलो, 1.5 घंटा लगेगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, उनको बता देना क्या बनाना है, चल मैं देख लूँगा, खुला रहने दे, है ना, कोई बात नहीं। हाँ देखिए 9000 लोग इन नौ थिएटर पर ही टूट पड़ेंगे, आई बात समझ में, क्लियर। तो बताइए प्रति थिएटर एवरेज 1000 का आएगा क्या, 9000 लोग नौ थिएटर में ही मूवी देखेंगे, फिर 15 नहीं है तो 9000 9 थिएटर में देखेंगे तो प्रति थिएटर 1000 का एवरेज बनेगा नया, तो आंसर 1000 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब आगे की हम बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 7 आदमी 11 महिलाएं और 2 लड़के, 7 men 11 women महिलाएं, है ना, और 2 boys 2 लड़के, ठीक है। इन सब का एवरेज 257.5 है, एवरेज ये एवरेज है ना, इन सभी का एवरेज मनी,
कितने लोग हैं टोटल? 20 लोग हैं ना, टोटल 20 लोग हैं ये। इन 20 लोगों का एवरेज क्या है? 257.5। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखें। यदि पुरुषों की औसत दैनिकाय महिलाओं की औसत दैनिकाय से 10 अधिक हो और लड़कों की औसत दैनिकाय से 10 रुपये अधिक हो, महिलाओं की लड़कों से 10 रुपये अधिक हो, ठीक है। यदि इसकी औसत दैनिकाय एक्स है इन लड़कों की, तो महिलाओं की एक्स प्लस 10 है, 10 ज़्यादा है, और महिलाओं से आदमियों की 10 ज़्यादा है, यानी कि एक्स प्लस 20 है। ये एक्स है तो एक्स प्लस 10 है, और ये कितना? एक्स प्लस 20। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो बस हो गया सॉल्व यार, क्या बचा इसमें? कुछ भी नहीं बचा अब, ठीक है, ऐसे ही हो जाना है तो सॉल्व, ठीक है ना। अब देखिए, 7 लोगों का एवरेज एक्स प्लस 20 है, तो टोटल सम 7 इंटू एक्स प्लस 20 करके आएगा, इनका टोटल सम 11 इंटू एक्स प्लस 10 करके आएगा, ठीक है, और इनका टोटल सम 2 इंटू एक्स करके आएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, बराबर 257.5 में 20 लोग हैं, तो 20 लोगों का ऐसे टोटल इंटू 20 करके आ जाएगा, बस सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। ठीक है, क्या हो गया ये देखिए। अब आप यहाँ पर और भी तरीकों से इसको कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझसे आप बोलते तो मैं तो एक दो तरीकों से और कर देता इसको, ठीक है, लेकिन ठीक है ऐसे कर लो। 7x, 11x, 2x, 20x, तो ये हो गए, ठीक है। 140, 110, 250, ये 250 रुपया उधर जाके माइनस होगा। अच्छा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा शायद आपका 5150 माइनस 250, है ना, ठीक है, 5150 आ जाएगा शायद, है ना, 575, 150, 150, 51, 5150 माइनस 250 है, ठीक है, 140 और 110 है ना, ठीक है, 250, ठीक है, तो 250 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5150 में से 250 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 5150 में से 250 माइनस करेंगे, ठीक है, 5000 में से 100 गया तो 4900, है ना, 00 कैंसिल, x बराबर 245 आएगा। निकालना क्या इसमें हमें देख लेते हैं। पुरुष की औसत देने का है, पुरुष का औसत देने का x प्लस 20 है, तो 245 प्लस 20, 265 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। और भी तरीके से कर सकते थे इसको, 140, 110, ये 250 रुपया ऐसे करके पूरे में बांट देते इस प्रकार से, तो सीधे सेटल हो जाता, एवरेज को इधर उधर करके बैलेंस कर सकते थे, इसमें बैलेंसिंग करते सीधे सेटल हो जाता, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो आप, बता नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे भी एक लाइन में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, 18 के बाद सवाल नंबर 19 पर आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते, 3-4 सवाल और बचे हैं, 3-4 सवाल नहीं ज़्यादा बचे हैं, ठीक है, एक ए, एक सेकेंड रुकना मैं आ रहा हूँ, है ना, एक सेकेंड, आंटी को बता दूँ क्या बनवाना है सब्जी,
चलो उन्नीस है ना, 10 छात्रों की बचत का औसत 600 है। 10 स्टूडेंट्स की सेविंग का एवरेज कितना है? 600, यानी कि टोटल 6,000 रुपया है ना। अब 3 छात्र ऐसे हैं, 3 of the students हैव नो सेविंग्स। इंग्लिश में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, वो ऐसा लिखा है 600 रुपये के बाद 3 of the students हैव नो सेविंग्स एट ऑल। 3 लोगों ने कोई बचत नहीं की, स्टार्टिंग के 3 लोगों ने कोई बचत नहीं की, यानी कि बचत सारी किन लोगों की है? चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें व्यक्ति की है। आती बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, इन लोगों की बचत है ये, है ना? ठीक है, अब इन लोगों की बचत यदि है ये, ठीक है, तो सीधी सी बात है, पूरा 6,000 रुपया इधर ही शिफ्ट हो जाएगा। इनका तो सेविंग जीरो है, तो 6,000 पूरा का पूरा इन्हें बचा है। अब उसने क्या बोला है, अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है। अन्य में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है। कंडी 6,000 रुपये को इनमें फैलाना है। कैसे फैलाना है? उसके लिए इनडायरेक्टली हमें हिंट दी जाएगी, हमें बुद्धि लड़ा के 6,000 रुपये को बांटना है। पहले हिंट क्या दी कि हर एक के पास कम से कम 250 तो है, ठीक है ना। और आगे क्या बोला इसने, और निहार की 1,300 रुपये की बचत है। और निहार की, इसको निहार मान लो, इसकी फिक्स है 1,300 रुपये बचत है ना। ठीक है, अब बचत की सबसे बड़ी राशि मान लो इसके पास आई है, ऐसा मान लेते हैं। 6,000 रुपये में से कोई निहार है, उसका फिक्स है 1,300। 6,000 में से 1,300 गया तो इन 6 लोगों का क्या बचा? 6,000 में से 1,300 गया तो 4,700 बचा, मतलब इन 6 लोगों का 4,700 है। अब 4,700 में से यदि इसको मैक्सिमम देना है तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी इन 5 लोगों को मिनिमम दें। तो मिनिमम दे तो मैं तो 0 दे दूँ, पूरा 4,700 इसको दे दूँ, लेकिन पहले ही अलर्ट कर दिया सवाल वाले ने कि मिनिमम 250 तो सबके पास जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम देने की कोशिश करूँगा, 250 मिनिमम देना पड़ेगा। तो 1,250 रुपया गया, तो 4,700 में से 1,250 गया, 250 250 पाँच बार, 4,700 में से 1,250 यदि गया, ठीक है ना, तो कितना 3,450 रुपया बचा मैक्सिमम, 3,450 ये आंसर आ जाएगा, है ना। आते हैं ऐसे सवाल, ध्यान रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहा हूँ, 20, चलिए सवाल नंबर 20 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 3 मित्रों ए बी और सी की औसत जेब खर्च का औसत 80 रुपये है। ठीक है, ए बी सी का जो औसत जेब खर्च है, औसत जेब खर्च वो कितना है? 80 रुपये, यानी कि टोटल पैसा तीनों का खर्च 240 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर, औसत जेब खर्च 80 रुपये। ठीक है, अब उसने बोला है यदि ए की अपेक्षा बी दुगना, एक मिनट, इफ बी स्पेंड्स डबल, ए से बी डबल और सी ट्रिपल निवेश करे, ठीक है ना, ए से बी डबल और सी ट्रिपल निवेश करे, ठीक है, यानी कि 1:2:3 इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे निवेश करते हैं, ठीक है ना, एवं उनके बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 रुपये है। ठीक है, बिना खर्च की गई राशि का औसत है 60 रुपये। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, ये पॉकेट मनी है। क्या है ये? पॉकेट मनी। तो सवाल ऐसा है, ठीक है, कि ए बी सी ये 3 बच्चे हैं, इन तीनों को इनके जो माता पिता हैं वो 80 रुपये की पॉकेट मनी देते हैं, यानी कि तीनों को मिला के अपने माता पिताओं से 240 रुपये की खर्चा करने की राशि मिलती है। ये भी खर्चा किया नहीं है इन्होंने, ये 240 रुपया क्या है, डेली सुबह इनके माता पिता इनको देते हैं 80 रुपये के हिसाब से, है ना, यानी कि तीनों को मिला के 240 रुपया पॉकेट मनी मिलता है। अब इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कहानी अलग है, है ना। तो अब उसमें ये बोला है कि 240 में से जो राशि खर्चा नहीं की उसका औसत 60 है,
यानी कि 60 औसत है, यानी कि 180 रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया, यानी कि केवल कितना खर्च किया इन्होंने बताइए, केवल 60 रुपया इन्होंने खर्च किया क्या? जो खर्च किया इन तीनों ने मिलके वो कितना खर्च किया है ना, पॉकेट मनी 240 मिलते तीनों को मिलाकर, 240 में से जो पैसा ये खर्च नहीं करते उसका औसत, खर्च नहीं की जाने वाली राशि का औसत 60 रुपये, यानी 60 60 60, 180 रुपया खर्च नहीं किया 240 में से इन्होंने, यानी केवल 60 रुपया खर्च किया। और इनके खर्चे का रिलेशन क्या है, ए बी से 2 गुना और सी ए से 3 गुना, यानी कि 1:2:3 है, बराबर कितना है 60 रुपये। तो टोटल 6 यूनिट बराबर 60, तो इंटू 10 का रिलेशन है, जो खर्च किया एक्चुअली खर्च करने का रेशियो ना, जो खर्च किया उसका रेशियो का टोटल 60 रुपये, 6 बराबर 60। तो हमसे ये पूछा है कि ए का खर्च ज्ञात करें, तो ए का खर्च 1 बराबर 10 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं, 21 नंबर के सवाल है ना, ठीक है इसको हटा दो यहाँ से, रेशियो यहाँ यूज़ करेंगे 60 रुपये के खर्चे पर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 की बात करें, एक कक्षा में लड़की और लड़कों की संख्या भिन्न भिन्न है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु लड़कों की औसत आयु के औसत बराबर है, ठीक है, लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की औसत आयु के बराबर है, ठीक है, लड़कों की औसत आयु तथा लड़कियों की औसत आयु, एक मिनट रुकना है ना, द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल्स द एवरेज ऑफ द गर्ल्स, अब देखिए थोड़ी गर्ल्स हैं थोड़े बॉयज हैं, जो एवरेज सभी विद्यार्थियों का है वही एवरेज गर्ल्स का भी है, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना, जो एवरेज सभी विद्यार्थियों का है, एक मिनट फिर से पढ़ लेता हूँ, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु लड़कों की औसत आयु तथा लड़कियों की औसत आयु के औसत के बराबर है, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर डिस्टिंक्ट, संख्या इनकी और इनकी लड़की और लड़कों की अलग अलग है, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल गर्ल्स बॉयज दोनों मिला के जो एवरेज है ना, इक्वल्स द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के एवरेज एज के बराबर है, ठीक है, द सम ऑफ द एवरेज, हिंदी में गड़बड़ है सवाल, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, द सम ऑफ द एवरेज ऑफ द बॉयज एंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 10, इन दोनों के एवरेज का योग कितना है 10। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, जब किसी पूरे सिस्टम का एवरेज भी वही हो और उस सिस्टम के एक पार्ट के एवरेज भी वही हो तो बचे हुए का एवरेज भी वही होगा, आई बात समझ में, ठीक है ना, इस पूरे का एवरेज क्या है एक्स है, गर्ल्स बॉयज सभी का एवरेज क्या है एक्स है, तो एक्स से एक्स कितना कम ज़्यादा है, एक्स से एक्स जीरो ना, जीरो का चेंज है तो इधर भी जीरो का चेंज आएगा, तो एक्स का एक्स ही एवरेज हो जाएगा, बैलेंस वाली मेथड से कर लो, जैसे करना है कर लो, मैंने बताया है कि जबकि सिस्टम का एक्स उतना ही एवरेज उतना ही हो और उसके एक पार्ट का एवरेज इतना हो, दूसरे पार्ट का भी ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाने के लिए उतना ही होता है, तो दोनों का एवरेज एक्स एक्स है, तो इनके एवरेज का योग सम 2x है कि नहीं है, और 2x किसके बराबर दिया 10 के बराबर, दोनों के एवरेज का सम 10 के बराबर दिया है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्या निकालना है इसमें हमें, लड़कों की औसत आयु, तो लड़कों का औसत भी 5 है, लड़कियों का 5 है, आंसर 5 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहा हूँ, 22 पर आ जाते हैं, चलिए 22 22 पर आ जाते हैं, विजिबल है सभी को क्लियरली, हाँ ठीक है, चलिए क्या है 22 की कहानी देख लेते हैं हम, है ना, ठीक है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स वाज ₹15,130, ठीक है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स वाज रुपीज, 4 अर्निंग मेंबर है 1 2 3 और एक डॉटर है, बेटी है ना, ठीक है, चारों का एवरेज 15,130 है, एवरेज है ना, चारों का एवरेज कितना है 15,130, ठीक है ना, और उसमें से यदि इस डॉटर को हटा दे तो बचे हुए का एवरेज क्या हो जाएगा 14,660 हो जाएगा, है ना, ऐसा बोला है, बचे हुए लोगों का एवरेज क्या हो जाएगा 14,660, क्लियर, ठीक है, तो इसकी मंथली इनकम क्या है तो निकाल लेते हैं, है ना, कई तरह इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें तो यार ना, ठीक है, चलिए देखिए इसको तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं आप, 15,130 यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा वो आ जाएगा तो हो जाएगा,
चलिए 15130 14660 कितना कम है, 14660 से 15130 यानी कि 1 मिनट, 340, 440, 470, 470 कम है ये, कितनी बार, तीन बार है ना, 470 कम है 3 बार, ठीक है ना। पंद्रह 130 से 14660 कितना कम है, 1 मिनट, 13 में से 6 गया तो 7 है ना, ठीक है, 150 में से 146 गया तो 4, ठीक है, 470 कम है कितनी बार, 3 बार, ठीक है, 470 कम है 3 बार, ठीक है, तो इधर 470 ज़्यादा होगा 3 बार है ना, तो इधर इतना कम है तो इधर इतना ही प्लस हो जाएगा, तो 15130 में बस आप इसको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, आप कर लेना, मैं नहीं बता रहा, एलिगेशन से भी हो जाएगा ऐसे करके है ना, इधर 3 लोग हैं, इधर एक अकेली बेटी है, ठीक है, 14660 इधर का पता नहीं है, और दोनों का मिला के उन्होंने एवरेज किया है 15130, क्लियर, रेशियो में पता है ऑलरेडी, 3 रेशियो 1, इधर 3 इंसान, इधर एक अकेली बेटी है ना, इधर का डिफरेंस 470 आएगा, 1 बराबर 470 तो 3 बराबर 3 बार 470, तो यहाँ का मार्जिन 3 बार 470, तो 3 बार 470 इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ भी तो वही हो रहा है, इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। 23 पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, एक शिपिंग क्लर्क को 6 भिन्न पैकेट वजन करते हैं, चलो अच्छा सवाल है, शांति से देखना इसको है ना, 6 पैकेट है, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 पैकेट है, क्लियर, ठीक है, इन 6 पैकेट का वजन करना है, और वीविंग मशीन, भार करने वाली मशीन कुछ ऐसी है कि एक बार में 4 पैकेट को ही वजन करेगी, तो ये क्या गेम खेल रहे हैं, चार चार के अलग अलग सेट बना बना के वजन कर रहे हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन 6 में से चार चार के, हर एक चार चार का वजन कर रहे हैं, मतलब पहले मान लो इन्होंने ए बी सी डी का वजन किया, ए बी सी डी का वजन किया और उस वजन को मेजर करके रख लिया, क्लियर, फिर ए बी सी डी के बाद इन्होंने बी सी डी ई ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी के बाद इन्होंने बी सी डी ई ले लिया, कोई भी चार, उसका वजन किया है ना, रीडिंग नोट कर ली है ना, चार चार को उठा उठा के वजन किया, बी सी डी के बाद हो सकता है सी डी ई एफ ले लिया, इसका वजन किया, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं चार चार के पॉसिबल, हर प्रकार से वजन किया, टोटल 10 सेट बनेंगे, 10 सेट। अब आप बोलोगे सर 10 सेट कैसे, इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन, 6 में से 4 को उठा रहे हो, 6C4, समझ आ रही बात, 6C4 कॉम्बिनेशन, तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 है ना, तो ये आएगा 6 × 5, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा 2, तो नहीं सॉरी 15 सेट बनेंगे, टोटल 15 सेट्स बनेंगे, 15 सेट है ना, 15 सेट, यस 15 सेट बनेंगे, ठीक है ना, ऐसे चार चार के 15 सेट बनेंगे टोटल, तो टोटल 15 रीडिंग ली इन्होंने, कितनी रीडिंग ली, 15, अब ध्यान देना, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3, ऐसे 15 रीडिंग ली है ना, रीडिंग नंबर 1 प्लस रीडिंग नंबर 2 प्लस रीडिंग नंबर 3 प्लस रीडिंग नंबर 4 प्लस डैश 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 रीडिंग नंबर 15, टोटल 15 रीडिंग ली है ना, और इन 15 रीडिंग का फिर 15 से भाग देके क्या निकाला, एवरेज, वो एवरेज आया 500 ग्राम, ऐसा दिया है, समझो कहानी को ना, शॉर्ट में भी हो जाएगा, 500 का 1.5 गुना करना है, 750 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है, इंक डाल लो थोड़ी सी, 2 सेकंड रुकिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डाला हुआ है आपके ऐप पर, आपको देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है ना, वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी 11th क्लास में है ये, आपको आना चाहिए ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नॉर्मली बहुत यूजफुल चीज़ है, आलू टमाटर बनाने को बोला है मैंने आंटी को, खाओगे, खाओगे आलू टमाटर ग्रेवी वाला, हाँ चलो इंक डाल लिए मैंने है ना,
चलिए देखिए क्या है कहानी। हाँ तो चार चार के सेट की रीडिंग है, ये चार की रीडिंग है, हो सकता है इसके अंदर ए बी सी डी हो, ए बी सी डी, इसमें बी सी डी ई हो, इसमें सी डी ई एफ हो, समझ में आ रही बात, क्लियर ठीक है ना। चार 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 15 बार, टोटल 60 अल्फाबेट है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना, एक प्रकार से ये बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, ये सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है, यानी कि चार का समेशन है, चार अल्फाबेट चार अल्फाबेट चार अल्फाबेट चार अल्फाबेट 15 बार, टोटल 60 अल्फाबेट है कि नहीं है, कितने अल्फाबेट है टोटल 60 अल्फाबेट है कि नहीं है बताइए। और ये 60 अल्फाबेट में कितने प्रकार के लोग हैं, 6 प्रकार के लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ है, 6 प्रकार के लोग, बोलो है कि नहीं है। यदि 6 प्रकार के लोग टोटल मिला के 60 बार है, यानी कि हम कह सकते हैं देयर आर 10 सेट्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ, क्या कहते हो, समझ में आता है, 60 अल्फाबेट है ना, 60 अल्फाबेट में कौन है, ए बी सी डी ई एफ, तो अब बताइए ए बी सी डी ई एफ के 60 के अंदर 10 सेट बनेंगे, ए बी सी डी ई एफ 10 बार, 6 अल्फाबेट इंटू 10, टोटल 60 अल्फाबेट हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ पे देखिए सारे कॉम्बिनेशन लिए हैं, तो यूनिफॉर्मली ए भी 10 बार आएगा इसके अंदर, जब खोल के ऐड करोगे बी भी 10 बार आएगा, सी भी 10 बार, डी सब 10 बार, तो ए से एफ तक का सेट टोटल 10 बार हो गए, 60 अल्फाबेट, 10 अल्फाबेट ये, 10 ये 10 ये हो गए 60, इस प्रकार से आएगा ये। तो अब 15 बाई 10 बन के उधर चला जाएगा ये, 15 बाई 10 यानी कि 2 बाई 3 है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 500 × 3/2, 750 ग्राम आ जाएगा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ए से एफ तक के 6 पैकेट का टोटल योग कितना है, 750 ग्राम, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 4 का एवरेज थी 500 ग्राम है, इट मीन्स कन्फर्म है सारे पैकेट बराबर वजन के हैं, हर प्रकार के 4 का एवरेज क्या है, 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, यदि 4 का एवरेज 500 ग्राम है, समझिएगा ए बी सी डी ई और एफ, 4 के हर प्रकार के कॉम्बिनेशन का 500 ग्राम है, मतलब ऑन एन एवरेज मान लो यदि 4 का 500 ग्राम है तो 6 कर लोगे तो 1.5 गुना हो जाएगा, 750 ग्राम, ये समझने वाली बात है, थोड़ी गहराई वाली बात है, 4 का एवरेज 500 ग्राम है, यानी कि 4 मिला के 500 ग्राम है, तो 4 के साथ 2 और मिला दोगे 1.5 गुना हो जाएगा, 500 का 1.5 गुना टोटल 750 ग्राम है ना, ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ी गहरी बातें हैं, ये समझाया मैंने आपको, है ना। चलिए सवाल नंबर 24 पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, सवाल नंबर 24, ठीक है। द वेट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ 18 इज मेजर्ड इन सीक्वेंस, टोटल 18 लोग हैं, 18 में से 5 लोगों का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है ना, इन 5 लोगों का वेट क्रम से मेजर किया गया, पहले एक बंदे का मेजर किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया, चौथे का किया, फिर पांचवे का किया, क्लियर ठीक है ना। अब क्या है कहानी, प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, पहले एक व्यक्ति का वजन निकाला, मान लो एक व्यक्ति का वजन 1 किलो आया है ना, फिर दूसरे व्यक्ति का वजन किया, ठीक है, फिर दूसरे व्यक्ति का वजन किया, दूसरे व्यक्ति का वजन पता नहीं कितना आया, ठीक है, लेकिन पहले और दूसरे दोनों का मिला के जो एवरेज है वो एवरेज है x प्लस 1 kg, ऐसा बोला उसने, दूसरे का वजन कितना है ये नहीं पता, लेकिन दूसरे का वजन आने के बाद पहले और दूसरे दोनों का एवरेज निकाला तो एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कि अभी पहले एवरेज 1 ही था, पहले एवरेज x था, एक इंसान का तो एवरेज और वेट दोनों सेम ही होता है, x था, जैसे ही मतलब हर बार जैसे ही वजन करेंगे औसत 1-1 बढ़ता जाएगा, जब तीसरे का वजन करेंगे और तीनों का मिला के मेज़र करेंगे तो x प्लस 2 एवरेज हो जाएगा,
जब चौथे का वजन करेंगे और चारों का मिला के बताएंगे तो एक्स प्लस थ्री एवरेज हो जाएगा। ये एवरेज है, क्या है, ये एवरेज है ना, एक्स प्लस थ्री कीजिए। ये बोल रहा ना, हर बार 1 किलो एवरेज बढ़ता जाता है ना, ठीक है, 1 किलो एवरेज बढ़ता जाता है, ठीक है, हाँ 1 किलो एवरेज बढ़ता जाता है। फिर 1 किलो यहाँ बढ़ जाएगा, एवरेज एक्स प्लस 4 kg हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ 4 लोग हैं, 1 2 3 4, यहाँ 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब हमें निकालना है पहले के वेट में और पांचवें व्यक्ति के वेट में डिफरेंस क्या है, मतलब फिफ्थ माइनस फर्स्ट। तो फर्स्ट का तो पता है हमें एक्स किलो वेट है, यदि पांचवें का वेट आ जाए हमारे पास तो डिफरेंस बता देंगे, बस पांचवें का बाहर निकालना है ना, पहले और पांचवें के वेट का डिफरेंस बताना है। पहले का वेट तो 1 किलो है, कन्फर्म है, बस पांचवें का वेट आ जाए तो काम हो जाए। पांचवें का वेट कैसे निकालेंगे, 5 लोगों के वेट में से है ना, ये 5 लोगों का एवरेज है, तो यहाँ से 5 लोगों का टोटल वेट आ जाएगा। अरे 5 लोगों का एवरेज है ना, एक्स प्लस 4 5 लोगों का टोटल वेट है, और ये 4 लोगों का एवरेज है, तो एक्स प्लस 3 चार बार, तो यहाँ 4 लोगों का टोटल आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5 के टोटल में से 4 का टोटल हम माइनस कर दें, कर दें क्या माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो 20 - 12 + 8 आएगा, x + 8 आएगा, x + 8 है ना, 5x - 4x + का x आएगा, 20 - 12 = 8 आएगा, x + 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो पांचवे का वेट आया x + 8, क्लियर। तो दोनों का डिफरेंस x कैंसिल, 8 आ जाएगा, तो आंसर इज 8। और भी शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना, आ जाएगा 8, आया समझ में, क्लियर है ना। पहले और पांचवे का अंतर, पहले का 1 किलो माना, ये एवरेज है सभी का, है ना, तो पांचवे का वेट निकाल लिया, 5 के टोटल में से 4 का टोटल माइनस करेंगे तो पांचवे का वेट आ जाएगा ना फिफ्थ वाले का, क्योंकि 4 में से 4 का माइनस करोगे तो कट जाएगा, पांचवे का वेट आ जाएगा, इन दोनों के टोटल टोटल डिफरेंस है ना x + 8, तो x + 8 - x 8, क्लियर। 24 के बाद अगले सवाल पे चलते हैं, 25 वाला नहीं करना अभी, कुछ एक सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं उनको मैं भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में देखेंगे, है ना। अभी आप आ जाइए सीधे सवाल नंबर में जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर, जो इंपॉर्टेंट है थोड़े से, है ना, 35 पर आ जाइए, बीच के छोड़िए अभी सवाल सारे, है ना, लास्ट में नज़र डालेंगे इनके ऊपर, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, कोई काम के नहीं है, है ना, ये मेरी कोशिश होती जितने भी सवाल है सारे कर लें ताकि हमारे एरिया से बाहर कुछ भी नहीं जाए, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर सीधे, 24 के बाद। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या कह रहा है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्या है ये, देर आर 3 नेचुरल नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर मान लेते हैं ए बी सी, किन्हीं भी 2 का एवरेज यदि तीसरे में जोड़े, किन्हीं भी 2 का एवरेज यदि तीसरे में जोड़े, किन्हीं भी 2 का एवरेज यदि तीसरे में जोड़े तो रिजल्ट क्या क्या आते हैं, इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, 24 20 18 24 20 और 18। 3 नेचुरल नंबर है कोई भी, किन्हीं भी 2 का एवरेज तीसरे में जोड़े तो उसे 3 प्रकार से हो सकता है, पहले सी को अलग रख दो, फिर बी को, फिर ए को, और 2-2 के सेट 3 प्रकार से बनेंगे, टोटल 3, तो इनके रिजल्ट 24 20 18 आते हैं। अब उसने क्या बोला है, तीनों संख्याएं ज्ञात करें, ए बी सी का वैल्यू निकालें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना, ऑप्शन से भी कर सकते थे, बताता हूँ ऑप्शन से भी, ठीक है, और शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसका, ठीक है। चलिए अब इसको और इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c = 24 × 2, ए प्लस सी प्लस 2b = 20 × 2, सी प्लस बी प्लस 2a = 18 × 2, क्लियर है, आती है क्या बात समझ में, है ना, ठीक है। अब कुछ नहीं करो, इनको ऐड कर दो, देखिए अब तीनों को ऐड करोगे तो 4a बनेंगे, 4b बनेंगे, है ना, 4a बनेंगे, 4b बनेंगे, और 4c भी बनेंगे, आती है क्या बात समझ में, क्लियर। तो 4 set of a + b + c = सब 2-2 बार है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 24 + 20 + 18 आ जाएगा, क्लियर। ये 4 यहाँ से उठ के अपॉन में जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो बताइए बाई में 2 आ गया, यानी कि यहाँ से तीनों नेचुरल नंबर, तो एक चीज़ हमने यहाँ से सीख ली कि तीनों नेचुरल नंबर का सम दी गई संख्याओं में बाई 2 करने से आ जाएगा हमेशा, है ना, समझ रहे हो बात को, तीनों नेचुरल नंबर का सम हमेशा कैसे आ जाएगा,
जब भी इस प्रकार का सवाल आए, ये एक यूनिक क्वेश्चन है। तीनों नेचुरल नंबर का सम कैसे आएगा दी गई संख्याओं को जोड़ के बाई टू करने से, 24 + 20 + तो ये काम आप सवाल देख के ओरली कर लेना, है ना। 12, 10, 22 और 9 31 आ जाएगा टोटल। तो बताइए a + b + c का वैल्यू कितना आ गया था। शॉर्ट ट्रिक है इस सवाल की, है ना। ये बड़ा ही यूनिक और रेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। इस सवाल में हमेशा नेचुरल, तीनों नेचुरल नंबर का सम कैसे आएगा, तीनों को जोड़ के बाई टू कर दो। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। 31 है ना। अब यदि तीनों नंबर हमें निकालने, तब सुनिए मेरी बात, ठीक है, है ना। इन तीनों इक्वेशन से एक एक बार इसको माइनस करेंगे। जब a + b + c इससे ये माइनस होगा तो c का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये ए बी सी में से ए बी सी इसका खा जाएगा तो c बचेगा। तो 24 × 2 में से 31 माइनस करेंगे तो c आ जाएगा। तो इसको एक बार इस पूरे से माइनस करेंगे, इसको एक बार इस पूरे से माइनस करेंगे, इसको एक बार इस पूरे से, इसको इस पूरे से करेंगे तो एक c बच जाएगा। a + b + c के अलावा एक एक्स्ट्रा सी है वो बच जाएगा। तो सी का वैल्यू LHS में से LHS माइनस होगा तो RHS भी, तो RHS को माइनस करेगा। 24 × 2 - 31, तो बताइए सी का वैल्यू 24 × 2 - 31 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सी का वैल्यू क्या आएगा आपका 24 × 2 - 31, क्लियर। फिर इसको इसमें से माइनस करोगे तो बी का वैल्यू आएगा 20 × 2 - 31, है ना, ठीक है। फिर इसको इसमें माइनस करोगे तो ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू 18 × 2 - 31, तो इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट तरीका क्या बना, ठीक है, कि सबसे पहले तीनों संख्याओं को, जो भी तीन संख्या दी सवाल में, देखो सवाल को पहचान लो पहले, ऐसा ही है। तीनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, 31 आ जाएगा। फिर 31 को क्या करो, बस ये तीन संख्याओं को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ तीनों नेचुरल नंबर। तीनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, तीनों संख्याएं ऐड होंगी तो 62 आएगा, 62 का आधा 31 क्या जाएगा, 31, है ना। फिर क्या करो, 31 को हर एक नंबर को डबल करके उसमें से माइनस कर दो। इसको डबल करके इसमें से 31, इसको डबल करके इसमें से 31 माइनस कर दो, इसको डबल करके इसमें से 31 माइनस कर दो, ये ए बी सी का वैल्यू आपका आ जाएगा। 48 - 31 कितना आएगा, 17, है ना। ये 40 - 31 - 9 और ये 36 - 31 - 5, तो 17 - 9 - 5, ये तीन नेचुरल नंबर आ जाएंगे आपके। 9, 5, 17 है ना, वो सी वाला ऑप्शन। आई बात समझ में, क्लियर। इसको आप ऑप्शन से भी इस प्रकार से, है ना, ठीक है। लेकिन रट नहीं सकते आप, ये तब लगेंगे, ये रूल तब लगेगा जब संख्याएं तीनों, जब चार नेचुरल नंबर हो, जैसे अगला सवाल है, तो ये रूल फेल हो जाएगा आपका, फिर उसके लिए दूसरा रूल बनाना पड़ेगा। तो हर सवाल के लिए तीन नंबर के लिए ये रूल लगेगा, चार नंबर के लिए अलग रूल बनाना पड़ेगा। यदि याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो ये बेसिक तरीका था, आपको पता है, इससे आप कर सकते हो या फिर ऑप्शन से कर सकते। देखो ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, ऑप्शन से कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन से दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है 6, 8, 17, ठीक है भैया, 6, 8, 17, 9, 6, 16, 9, 6, 16, ठीक है ना, और 9, 5, 17, 9, 5, 17, ठीक है ना, और 12, 6, 13, अब देखिए तीन नेचुरल नंबर निकालने थे, ये तो तय है कि इन चारों में से कोई एक ही है एबीसी का वैल्यू, ठीक है। तो सवाल जो बोल रहा है कर करके देखे, है ना, किन्हीं भी दो का एवरेज तीसरे में जोड़े हैं, 6 और 8 का एवरेज क्या आएगा, 7, 7 को 17 में जोड़ो जरा, 6 और 8 का एवरेज क्या आएगा, जैसे इसको चेक करें, ये ए बी सी है, तो इसको तीनों प्रकार से घुमा कर देखें, 24 + 18 बनना चाहिए। यदि ये ए बी सी के वैल्यू है तो ए बी सी की जगह रख के देखें, 24 + 18 बनना चाहिए। तो क्या कहने का मतलब है, इन दो का एवरेज, 6 और 8 का एवरेज क्या आएगा, 7, 6 और 8 का एवरेज 7, 7 + 17 = 24, यस बन रहा है पहला नंबर, तो 6 और 8 का एवरेज बटा 2 + 17, है ना, 2 का एवरेज निकल तीसरे में ऐड करना है, तो 7 + 17 बन रहा है 24, से पहला तो बन रहा है, चलो फिर घुमाए, तीनों बनने चाहिए, है ना। अभी 6 और 8 को लिया था, अब मैं 8 और 17 को लेता हूँ, 8 और 17 का एवरेज यदि 6 में जोड़ोगे तो नहीं बनेगा, दशमलव में जाएगा। 8 और 17 का एवरेज 17 और 8 = 25, 12.5 + 6 = 18 आएगा, नहीं बन रहा है, फेल हो गया, ये तीनों बनने चाहिए, है ना, तो ये फेल हो गया, क्लियर। इसकी बात करें 9 और 6 कितना होता है, 15 का एवरेज 7.5 + 16 23.5 बनेगा, डेसिमल में तो कोई भी नहीं, ये भी फेल। 9 और 5 = 14, 14 का एवरेज 7, 7 + 17 बन रहा है 24, अब इन दोनों को ले लो, 17 और 5 = 22, 22 का एवरेज 11, 11 + 9 बन रहा है 20, यस बन रहा है 20। अब 9 और 17 को ले लें, 17 + 9 कितना होगा,
26 26 का एवरेज 13 13 और 5 18 बन रहा है, ये तीनों सेट ऑफ वैल्यूज बना रहा है हमारा, तो इसका आंसर आएगा 9 5 17। क्लियर, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई मैंने आपको, है ना। अगले सवाल पर जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। ठीक है ना, चार नेचुरल नंबर है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। क्लियर, चार ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ, है ना, ए बी सी और डी। ठीक है, 21 12 9 3, 21 12 9 और 3। दूसरा ऑप्शन 18 21 6 3, 18 21 6 और 3, है ना। तीसरा ऑप्शन 18 15 12 9, 18 15 12 और 9। चौथा ऑप्शन 21 15 12 9, 21 15 12 और 9। ठीक है, इनमें से चार कोई सेट कन्फर्म आंसर है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, कि तीन को, तीन का एवरेज निकाल के चौथे में जोड़ना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज निकालो और चौथे में जोड़ो, फिर हम बी प्लस सी प्लस डी ले लें का एवरेज निकालो और एम ऐड कर दो, फिर उसके बाद ए प्लस सी प्लस डी ले लें एवरेज निकालो और बी में ऐड कर दो, है ना। ठीक है, प्लस सी ए बी डी एवरेज निकालो और इसमें ऐड कर दो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 29 23 21 17, 29 23 21 और 17। क्लियर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, ये है सवाल। ठीक है, तो इस रास्ते पे इनको चला कर देख लो एक बार, यदि आप चला सको तो। ठीक है, चलिए इसको चेक करें क्या, 21 12 9 का एवरेज, 21 12 9 का एवरेज क्या आएगा, 7 4 11 और 3 14, 14 3 17। यस, इन तीन को इसके साथ लेने पर 17 बन रहा है। चलिए बाकी तीन भी बनने चाहिए इससे, है ना, 12 9 3 को ले, 12 9 3 को यदि लेते हैं तो 4 5 6 7 8, 21 और 8 29 बन रहा है। यस, ये 29 भी बन रहा है। एक बार हम एक काम करते हैं, 9 को छोड़ते हैं, इन तीनों को लेते हैं, इन तीनों को लें तो 7 8 9 10 11 12 12 और 9 21 बन रहा है। यस, बन रहा है, बन जाएगा इससे शायद। चलिए अब मैं 21 9 और 3 को लेता हूँ, 7 8 9 10 11 11 और 12 23 बन रहा है। यस, ये पहला वाला ही आंसर है आपका, इसी से बन रहे हैं चारों वैल्यू। ठीक है ना, या फिर कर लें यहाँ से सॉल्व, तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट आपकी, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी प्लस, अब आपको ऑप्शन से चेक करना भी आना चाहिए, जितने स्पीड से मैंने चेक किया है ना, दिमाग लड़ाकर एवरेज निकाल निकाल के चेक किया मैंने ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D बराबर 29 इंटू 3। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे हमें, कि यूनिक, जैसे पिछले सवाल में तीन नेचुरल नंबर बनाई थी ना, बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3A इज इक्वल टू 23 इंटू 3, फिर उसके बाद ए प्लस सी प्लस डी प्लस 3B इज इक्वल टू 21 इंटू 3, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस डी प्लस 3C इज इक्वल टू 17 इंटू 3। आई बात समझ में, चलो अब इनको ऐड करेंगे, तब इसमें देखना ए कितनी बार है, एक बार, तीन बार, एक बार, एक बार, एक दो तीन, 6 बार ए है, 6 बार बी है, 6 बार सी है, 6 बार डी है, मतलब ए बी सी डी के कितने सेट है, 6 सेट टोटल। इधर चारों चारों का सेट भी 3 बार आ जाएगा, 29 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 17। क्लियर, 6 नीचे जाएगा तो 3 से 6 2 बार जाएगा, तो फाइनली नीचे 2 आ जाएगा,
यानी कि पिछले सवाल में और इस सवाल में एक चीज़ सेम है कि पिछले में भी नेचुरल नंबर का सम जो संख्या दी गई है उनको आधा करने से आ रहा था। पिछले में भी नेचुरल नंबर का सम जो संख्या दी गई है उसका आधा करने से आ रहा था, बाई टू करने से। यहाँ भी चारों नेचुरल नंबर का सम जो संख्या दी गई है उनको जोड़ के बाई टू करने से आ रहा है। पिछले में क्या हो रहा था? नेचुरल नंबर का सम जो तीनों संख्या दी गई थी उनको जोड़ के बाई टू करने से आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहाँ भी चाहे चार नंबर हो तो भी नेचुरल नंबर का सम चारों को जोड़ के बाई टू करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इतनी चीज़ तो सेम है पिछले में और इसमें, शॉर्ट ट्रिक में, है ना। अब दूसरा, तो ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इनको ऐड करेंगे हम, कितना कितना आ रहा है। 23 और 17 हो गया 40, 29 और 21 हो गया 50, 40 90 तो 45 आ जाएगा ये। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना आया? 45, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी को हर एक इक्वेशन में से माइनस करेंगे तो यहाँ से 2D का वैल्यू आएगा। ए बी सी डी 45, यानी कि ए बी सी डी इसमें से माइनस करेंगे तो ए बी सी डी का सेट कट जाएगा, 2D बचेगा, तो 2D का वैल्यू आएगा। यहाँ से 2A का वैल्यू आएगा, यहाँ से 2B का वैल्यू आएगा, 2C का वैल्यू आएगा, है ना। तो किससे माइनस कर रहे हैं हम, देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 45, है ना। तो इसको एल एच एस से एल एच एस माइनस होगा, है ना। इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D में से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस करोगे तो 2D का वैल्यू आएगा। आता है क्या समझ में? ए बी सी डी खा जाएगा इसके अंदर से, तो 2D बचेगा। तो 2D बराबर आर एच एस में से आर एच एस, 29 × 3 माइनस 45 होगा। तो 2D बराबर इधर लिखता हूँ, है ना, चलिए इधर लिख देता हूँ। 2D बराबर 29 × 3 माइनस 45, यहाँ से 2A वैल्यू आएगा, 2A 23 × 3 माइनस 45 आएगा, 2A 23 × 3 माइनस 45 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से 2B आएगा, 2B क्या आएगा? 2B 21 × 3 माइनस 45। फिर उसके बाद यहाँ से 2C आएगा, क्या आएगा? 2C 17 × 3 माइनस 45 आएगा, क्या बोलिए, है ना। चलिए तो बाई टू सभी का नीचे लगा दे, यहाँ लगा दे बाई टू, इसका भी बाई टू यहाँ लगा दे हम, इसका भी बाई टू यहाँ लगा दे, और इसका भी बाई टू हम यहाँ लगा दे। आई बात समझ में? 57, 57 में से 45 गया 12/2, डी का वैल्यू 6 आ जाएगा। 6 तो है ही नहीं, रुको एक मिनट, 57 − 45 12/2 6 आएगा डी का वैल्यू। अरे हमारा तो ये सेटिस्फाई हो गया था, ऐसा कैसे हो गया सेटिस्फाई? फिर डी का वैल्यू तो 6 आ रहा है, अरे 87 आएगा ना यार, ये मैं भी क्या कर रहा हूँ। 87 − 45 तो ये आएगा 37, 21 आएगा, डी का वैल्यू 21 आ जाएगा, है ना। डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 21, ठीक है ना। उसके बाद 69 − 45 कितना आएगा? ये 69 − 45, है ना, 24 × 2 ए 12 आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा? 12, है ना, ठीक है। तिरसठ माइनस पैंतालीस करेंगे तो 18/2 9 आ जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा? 9, है ना, ठीक है। और फिर 51 − 45 आएगा तो 6/2 कितना आ जाएगा? 3, सी आ जाएगा 3, क्लियर। ये चार नंबर आ जाएंगे, 21, 12, 9, 3 ऐसे करके, है ना, क्लियर है। आता है क्या समझ में? ठीक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे बन जाएगी, देखो मैं करता तो मैं तो लगा दूंगा शॉर्ट ट्रिक, मेरे को याद रहेगा, याद रहेगा मेरे को, इजीली याद रहेगा, ठीक है। आप भी यदि सोचो तो आपको भी याद रहेगा, ऐसा नहीं है। देखिए चार नंबर दिए हैं आपको, 29, 23, 21 और 17, इन चारों को जोड़ के आधा कर लो तो पहले तो 45 आ जाएगा, चारों को जोड़ के आधा कर लो तो 45 आ जाएगा, ठीक है ना, 45 और 45। फिर क्या करो, हर एक नंबर को 3 गुना करो और उसमें से 45 घटाते जाओ, हर एक नंबर को 3 गुना करो उसमें से 45 घटाते जाओ, है ना, हर एक नंबर को 3 गुना करके 45 घटा दो, जो भी रिजल्ट आए उसको आधा कर दो बाई टू, मतलब ये काम सीधे कर दो ना आप, समझ आ रही बात है। चार नंबर वाला सवाल भी इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्लियर।
तीन नेचुरल नंबर, चार नेचुरल नंबर, आई बात समझ में, क्लियर? ठीक है, ये कहानी है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सवाल नंबर कौन सा करेंगे मैं बता रहा हूँ, वही करना है ना आपको, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर, रुकिए एक मिनट, है ना, 40, सीधे 40 पे आइए, जो नहीं करवा रहा उसको छोड़ दीजिए अभी, आ जाइए 40 पर। 40 के पहले 39 तो परसेंटेज का सवाल है, कुछ भी नहीं उसमें, है ना। 40 क्वेश्चन नंबर 40, आ जाते हैं 40 पर, है ना। सवाल नंबर 40, ठीक है, 40 की बात करें, 30 संख्याओं का औसत 0 है, 30 संख्याओं का एवरेज क्या है? 0। अब इसमें बोला है ना, टू मैक्सिमाइज अ नंबर हाउ मेनी नंबर शुड बी लेस देन 0। 30 संख्या है, 30, एक 30 में से एक अलग कर दो और बाकी 29 अलग कर दो, है ना। चलो ऐसे अलग कर लो तो इजीली समझ में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, अप टू 29, है ना, ये 29, और तीसवा बिल्कुल अलग कर लेते हैं। आई बात समझ में, 29 अलग और ये तीसवा अलग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ऐसा बोला है किसी एक नंबर को अधिकतम करने के लिए, तो किसी एक नंबर को अधिकतम करना है, वो मैंने 30 मान लिया, ठीक है, अधिकतम करने के लिए, है ना, किसी एक नंबर को अधिकतम करने के लिए कितनी संख्याएं 0 से भी कम होगी, ठीक है। तो किसी एक संख्या को अधिकतम करने के लिए 29 की 29 संख्याएं 0 से कम, यदि किसी एक संख्या को अधिकतम करना है ना, तो 29 की 29 संख्याएं 0 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सीधी सी बात है ना, 0 से कम, लेस देन 0 हो जाएगी ये सारी की सारी। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके दिमाग में डालूँ कैसे, ठीक है, 0 एवरेज है ना, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ में बताऊँ आपको, अच्छा क्या 30 की 30 संख्या 0 से कम हो सकती? नहीं, क्योंकि एवरेज हमेशा रेंज के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 7, 8, 9, 15, 17, इन नंबर का एवरेज ना इनकी रेंज के अंदर ही आएगा कहीं ना कहीं, या तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, कभी भी इनका एवरेज 19 नहीं जाएगा, 19 तो इनकी रेंज के बाहर ही है ना, 19 इनकी रेंज में आएगा क्या? नहीं, तो एवरेज हमेशा रेंज के अंदर ही आता है, ना तो 17 से ज़्यादा ना 7 से कम, 7 से 17 की रेंज के अंदर ही आएगा, तो इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। तो वैसे ही 30 नंबर है तो 30 में से किन्हीं के तो बीच में आएगा, क्लियर। तो किसी एक नंबर को मैक्सिमाइज करना है हमें, तो 0 एवरेज को यहाँ बीच में डाल दो, तो एक संख्या 0 से बड़ी हो जाएगी, बाकी की सारी संख्याएं 0 से छोटी हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। तो किसी एक संख्या को मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम करना है, तो कितनी संख्या 0 से छोटी हो सकती है? संख्या को मैक्सिमम करने के लिए 29 की 29 संख्या में 0 से छोटी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, क्योंकि देखिए कहानी क्या है, औसत 0 का मतलब क्या है कि इन 30 संख्याओं का योग 0 आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ हम कर रहे हैं 100 रुपये, मान लो 30वीं संख्या 100 रुपये है, तो इन सभी का सम -100 आना चाहिए, 29 लोगों का योग -100 आना चाहिए, और इसका +100, यदि सबसे बड़ी संख्या +100 बनानी है, तो 29 संख्याओं का योग -100 आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होकर 0 आएगा कि नहीं आएगा। जो भी बनाओ आप, जिसको जब मैक्सिमम बनाने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप बाकी सारी संख्या आपको नेगेटिव रखनी पड़ेगी, क्लियर। ऐसा नहीं है, आप दो संख्याओं को भी 0 से बड़ी में डाल सकते हो, बाकी 28 संख्याओं को छोटी कर दो, लेकिन उसमें कोई एक नंबर उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। समझ आ रही बात? किसी एक नंबर को यदि मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, संभावित बड़ा से बड़ा करना है, तो एक ही नंबर को 0 से आगे रखो, बाकी सबको 0 से पीछे करो, ताकि उस बड़े से बड़े को मैनेज करने के लिए सारे 29 नंबर हो पीछे। कि नहीं, दो नंबर को यदि 0 से आगे डालोगे ना, और उन दो नंबर को पॉजिटिव रख के किसी एक नंबर को बड़ा करने की कोशिश करोगे, उतना बड़ा नहीं बनेगा जितना एक ही नंबर को 0 से बड़ा रखने पर बन जाएगा। तो मैक्सिमम करने के लिए है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल और बताऊँ आपको, जैसे आपको 1 करोड़ करना है, 1 करोड़, तो इन 29 संख्याओं का ऐसा रखो कि इनका सब -1 करोड़ आ जाए। इसको 100 करोड़ रखना है, तो 29 संख्याओं का ऐसा रखो -100 करोड़ आ जाए, हो जाएगा एवरेज 0।
क्लियर। तो जितना पॉजिटिव हो उतना ही ये सब मिलके नेगेटिव दिखाने चाहिए, क्लियर है ना। तो सब मिलके नेगेटिव दिखाएंगे, ये पॉजिटिव दिखाएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बन पाएगा, और ये 30वां नंबर और बाकी के 29 नंबर आपस में फाइट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने के लिए 29 संख्याएं 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यदि नहीं समझ में आया 29 आंसर आएगा इसका 29, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया देखिए, आपको 28, 29, 30 और 31, 0 से छोटे कितने होंगे, 28, 29, 30 और 31। अब आप ही सोचो 30 और 31 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी रेंज के एवरेज रेंज के अंदर तो आएगा ना। यदि 0 यहाँ आएगा तो एक तरफ 0 से छोटे, एक तरफ 0 से बड़े, समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है। तो 0 से छोटे में 30 पूरी की पूरी संख्या, 0 से छोटे में पूरी 30 तो आ ही नहीं सकती। यदि 0 को यहाँ रखोगे और सारी की सारी 30 संख्या नेगेटिव में रखोगे, मतलब रेंज में ही नहीं आ रहा ना एवरेज, तो पॉसिबल ही नहीं मैथ्स में, 31 तो ही नहीं सकते, नंबर ही नहीं है। तो या तो आंसर 29 आएगा, 28 आएगा, 28 हो नहीं सकता, 29 आएगा, सीधी सी बात है ना। दो संख्याओं को बढ़ा रहे, एक को मैक्सिमम करने के लिए, बाकी 29 की 29 संख्या नेगेटिव रखो आप, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 40 के बाद चलते हैं हम सवाल नंबर 41 पर। क्या है 41 नंबर का सवाल, मेरे को लग रहा है साहब पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा सा सोचो विचार करो इसके ऊपर, है ना। फिर मैं एक मेथड बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, यदि नहीं आता है समझ में तो एक तरीका फिर मैं क्रिएट करता हूँ आपको समझाने के लिए, कुछ आविष्कार करते हैं ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। 300 विद्यार्थियों की कक्षा जिसमें प्रत्येक औसत विद्यार्थी के पास 500 रुपये है, 300 विद्यार्थियों की कक्षा में 500 रुपये एवरेज, आती बात समझ में है ना, ठीक है। यानी कि टोटल पैसा इनके पास 1.5 लाख रुपया हो गया ना, 500 × 300। टोटल पैसा कितना हो गया इनके पास, 1.5 लाख, क्लियर है ना, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब 300 में से एक विनीत है और बाकी के 299 लोग अलग है, एक अकेला विनीत है और बाकी 299 लोग अलग है। विनीत कहता है कि मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। विनीत कहता है मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है मेरे पास। तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट विनीत के पास क्या हो सकता है, 1,50,000 और इधर 0। देखिए 1,50,000 299 लोगों के 0 दोगे तो भी एवरेज 500 सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। 299 लोगों का पैसा मिला के 0 और विनीत का 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस 0, 300 लोगों का टोटल पैसा हो गया ना, 299 लोगों का 0, विनीत का 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस 0/300, बताइए एवरेज 500 सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो मैक्सिमम पैसा विनीत बोल रहा है मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट है, तो मैक्सिमम पॉसिबल उसके पास 1.5 लाख हो सकता है, 1.5 लाख से कम भी हो सकता है, 1.5 लाख से कम कर दो बाकी 1.5 लाख में से इधर बांट दो 299 लोगों का, ही बात समझ में क्लियर। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कितना हो सकता है, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख इसी के पास हो सकता है प्लस 0, मतलब ऐसा अमाउंट लो जिससे कंडीशन सेट है 300 लोगों का एवरेज 500 बनना चाहिए, क्लियर। तो 299 का 0, इस अकेले का 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस 0/300 आ जाएगा 500 एवरेज। बोलिए 500 एवरेज आएगा कि नहीं आएगा, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो क्या एवरेज आएगा इसका, 500, ठीक है, क्लियर है ना, समझ गए। तो 1.5 लाख मैक्सिमम अमाउंट है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, ठीक है। 42 आप लोग कर लो यार, शायद 42 टाइप 2 जैसा है, कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 43, भी कर लोगे आप, 44 छोड़ देना, इनकम्प्लीट सवाल है ना। इसके बाद 45, चलिए ठीक है, 2-3 सवाल बचे, अब कल करेंगे यार, बहुत हो गया है ना, कल हम टाइप 8 पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। टाइप 8 एजेस वाला है, एजेस आयु वाले एवरेज जो होते हैं ना वो है, ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना, है ना।